नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सफर में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक अनोखा सफर, गुलमार्ग का सफर। दोस्तों कश्मीर के इस सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गुलमार्ग का सफर का ट्रैवल गाइड हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर किस तरीके से घूम सकते हैं, आपको कितना खर्चा आएगा, कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों गुलमार्ग जहाँ सर्दियाँ ठंडी हवाओं से भरपूर होती है और बर्फी चादर हर दिशा में फैली रहती है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि गुलमार्ग में 4 दिनों के सफर में आपका बजट क्या होगा? आइए आज हम आपको बताते हैं गुलमार्ग का बजट ट्रैवल गाइड, गुलमार्ग तक पहुंचने के और वहां पर रुकने की और घूमने की पूरी जानकारी। दोस्तों गुलमार्ग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले श्रीनगर आना होगा, जो कि कश्मीर का राजधानी शहर है। श्रीनगर से गुलमर्ग तक लगभग 50 किलोमीटर का सफर करना होगा। आप श्रीनगर से टैक्सी, बस या फिर प्राइवेट व्हीकल से गुलमर्ग तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट से भी आप गुलमर्ग तक टैक्सी से जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं रुकने की, आप यहाँ पर कहाँ रुकोगे? गुलमर्ग में आपको हर तरह के होटल्स और रिसॉर्ट्स मिलेंगे, जैसे बजट होटल्स से लेकर लग्जरी होटल्स तक। बजट ट्रैवलर्स के लिए यहाँ पर बजट होटल्स और गेस्ट हाउसेस है, जो 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए के भीतर एक व्यक्ति के लिए 4 दिनों के स्टे प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों लग्जरी और कंफर्ट के शौकीन लोगों के लिए गुलमर्ग में कुछ बड़े रिसोर्ट भी है, जहाँ आपको सभी फैसिलिटीज मिलेगी। दोस्तों और अब हम चलते हैं गुलमर्ग के कुछ प्रमुख टूरिस्ट स्थलों की तरफ। गुलमर्ग की पहाड़ियों और बर्फ से ढकी हुई खूबसूरती आपको हमेशा याद रहेगी। यहाँ पर आप किकिंग और स्नोबोर्डिंग का आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग का गोंडोला राइड भी एक अनुभव है जो आपको यहाँ पर जरूर करना चाहिए। और अगर आप शांतिपूर्ण अनुभव चाहते हैं तो गुलमर्ग के पर्यटन स्पॉट जैसे कि गोल्फ कोर्स आपके मन को शांत कर देगा। दोस्तों भी हम जानते हैं 4 दिनों का आपका ट्रैवल प्लान कैसे होगा और कितना खर्चा आएगा और आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों पहली चीज जो हमें देखना है वो है होटल का। गुलमर्ग में आपको बजट होटल से लग्जरी रिसोर्ट तक हर तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हम बजट होटल्स की बात करें तो 4 दिनों के स्टे आपको लगभग 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए के तक पड़ सकता है। लग्जरी होटल्स में ये कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, लगभग 20,000 रुपए तक जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं फूड की। गुलमर्ग में आपको लोकल कश्मीरी कजिन का आनंद लेना चाहिए। यहाँ की यकनी, रोगन जोश और कश्मीरी पुलाव का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों यहाँ पर पर्सन के लिए एक दिन भर का खाना आपको लगभग 1,000 रुपए से लेकर के 1,500 रुपए तक हो सकता है। दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं गुलमर्ग के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ के शानदार स्नो स्पॉट्स और ट्रैकिंग एक्टिविटीज आपको बजट फ्रेंडली रेट्स पर मिलती है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और गोंडोला राइड जैसे एक्टिविटीज का आनंद आप लगभग 5,000 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए के बीच में यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप शांतिपूर्ण अनुभव चाहते हैं तो गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स भी एक दिखने लायक ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ एक राउंड खेलने के लिए आपको लगभग 2,000 रुपए से यहाँ पर शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्लेसेस है, जैसे कि सबसे पहला है गुलमर्ग गोंडोला। ये एक जरूरी स्थल है, ये दुनिया का एक हाईएस्ट केबल कार है और आसपास के बर्फ से ढकी पहाड़ियां और हरी भरी वादियों की शानदार व्यू देता है। दोस्तों अगला है गुलमर्ग गोल्फ कोर्स। दुनिया का सबसे हाई लेवल पर गोल्फ कोर्स है, सराउंडेड बाय स्टनिंग ब्यूटी। दोस्तों ये एक गोल्फर और प्रकृति प्रेमी के लिए एक स्वर्ग है। दोस्तों सफर की तलाश में गुलमर्ग स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए मशहूर है। नए बर्फ में ढके स्लोप्स से भरपूर ये एक अनुकूल स्थल है सर्दियों के खेल प्रेमियों के लिए। दोस्तों अभी हम जानते हैं आपको 4 दिनों के गुलमर्ग सफर का, इसमें होटल स्टे, खाना, सफर और भी खर्चे शामिल है, आपको कितना यहाँ पर खर्चा आएगा, सारे खर्चों के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों होटल स्टे के लिए हम बजट होटल्स के लिए लगभग 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए और लग्जरी रिसोर्ट के लिए तकरीबन 20,000 रुपए का यहाँ पर बजट अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं खाने के लिए। दोस्तों पर पर्सन के लिए एक दिन में लगभग 1,000 रुपए से लेकर के 1,500 रुपए का खर्चा यहाँ पर आपको आ सकता है। दोस्तों गुलमर्ग में घूमना और आसपास के टूरिस्ट स्थलों के लिए जैसे स्कीइंग, गोंडोला राइड, पर पर्सन के लिए यहाँ पर आपको 5,000 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए का बजट रखना होगा। दोस्तों बजट ट्रैवलर्स के लिए पूरा खर्चा लगभग 20,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए पर पर्सन के लिए यहाँ पर आपको लगेगा पूरे 4 दिनों के सफर करने के लिए। दोस्तों लग्जरी होटल और एक्सपीरियंस चुनने वाले लोगों के लिए खर्चा यहाँ पर आपको 25,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए तक जा सकता है। दोस्तों टोटल कॉस्ट एस्टिमेट आपको
यहाँ पर आपको यहाँ पर 20,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक बजट ट्रैवलर्स के लिए आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 35,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए लग्जरी ट्रैवल्स के लिए आ सकता है। तो अपना सफर ध्यान से प्लान कीजिए और गुलमर्ग की अद्भुत सुंदरता को अपने बजट के आधार पे प्लान कीजिए। दोस्तों गुलमर्ग तक पहुंचने का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन श्रीनगर रेलवे स्टेशन है, पर समस्या ये है कि ये अभी पूरी तरह से चल नहीं रहा है और कम से कम और 18 महीने से 2 साल तक पूरी कनेक्टिविटी के लिए वो टाइम लगने वाला है। दोस्तों अभी आप ट्रेन से उधमपुर तक पहुँच सकते हैं, उधमपुर से आपको फिर से एक बस या टैक्सी में ट्रैवल करना होगा। दोस्तों उधमपुर से आपको फिर से एक बस या टैक्सी में रामबान के लिए चढ़ना होगा। रामबान पहुंचने के बाद आपको फिर से रामबान से श्रीनगर की तरफ से दूसरी ट्रेन में चढ़ना होगा। दोस्तों एक आसान तरीका ये होगा कि सीधे उधमपुर से श्रीनगर के लिए बस या शेयर टैक्सी में आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों कश्मीर में और भी जानकारियां जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी सर्विसेज और कोई और टिप्स के लिए और गुलमर्ग का ट्रैवल प्लान कैसे बनाएं, उसके लिए हम सारी टिप्स आपको यहां पर दे रहे हैं। दोस्तों पहली बात जानते हैं गुलमर्ग है कहां पर। दोस्तों गुलमर्ग एक हिल स्टेशन है जो कश्मीर में है, वेस्टर्न हिमालयस के पीर पंजाल रेंज में 2650 मीटर की ऊंचाई पर है। गुलमर्ग का नाम शब्दों का शाब्दिक अर्थ है फूलों का बगीचा, जो कि 16वीं सदी में सुल्तान यूसुफ शाह चक ने किया था, जो अपनी पत्नी हवा खातून के साथ यहाँ अक्सर आते थे। तभी हम जानते हैं गुलमर्ग आप कब विजिट कर सकते हैं। दोस्तों गुलमर्ग विजिट करने का टाइम, वैसे तो आप यहाँ पर अलग अलग समय में लोग आते हैं, कुछ लोग यहाँ बर्फ और अपनी पहली बर्फबारी को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। दोस्तों बहुत से लोग गर्मियों की तपिश से छुट्टियाँ छुटकारा पाने के लिए भी यह आता है। दोस्तों एक फोटोग्राफी शौकीन को कुछ अच्छा फोटोज लेना होगा वो भी यहाँ पे आते हैं। एक एडवेंचर लोगों के लिए भी ये कुछ अलग ही यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है। दोस्तों अगर आपको गुलमर्ग में स्नोफॉल देखना है तो उसके लिए आपको फरवरी का समय सबसे अच्छा होता है। स्प्रिंग सीजन मार्च के अंतिम में शुरू होता है और अप्रैल और मई के महीने में आप यहाँ पर परिवार के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों लेकिन ध्यान रहना इस समय थोड़ा यहाँ पर घूमने के लिए थोड़ा भारी होता है। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो फरवरी अगस्त और सितंबर सबसे अच्छा होता है आपके लिए, ठीक हुआ। यहाँ पर आपको बहुत सारे पहाड़ियाँ और वादियाँ हरी भरी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप कुछ अकेलापन चाहते हैं और भीड़ से दूर रहना चाहते हैं तो अगस्त आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होगा गुलमर्ग विजिट करने के लिए। दोस्तों इस समय आपको अप्रैल से जून तक या नहीं आना चाहिए। दोस्तों अगर आप स्कीइंग करना चाहते हैं प्लान करना चाहिए, अप्रैल और सितंबर हनीमून के लिए सबसे अच्छा समय होता है गुलमर्ग में आने के लिए। दोस्तों बाइक ट्रिप के लिए आपको मानसून सीजन का समय नहीं चुनना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर परेशानी ना हो। दोस्तों याद रखिए, दोस्तों ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट बजट ट्रैवल गाइड था, आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप अपने पसंद के हिसाब से ट्रैवल प्लान कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रैवल गाइड वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों ट्रैवल गाइड के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ब्लॉग चैनल। बाय बाय, टेक केयर।